तुम सीएम की कुर्सी पर बैठ के ये समझ लो सिंध में इंसान रहते ही नहीं, जानवर रहते हैं सिंध में। ऐसी गंदम जो अरबों खरबों रुपए की गंदम हर साल खराब होती है, कोई ख्याल करने वाला नहीं है। मैं ये एहतजाज आर्टिकल 109, 199, 113, 114 के तहत कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान का आईन मुझे इजाजत देता है। भुट्टो साहब ने 73 के अंदर जो आईन पास किया था पार्लियामेंट पाकिस्तान में, मैं उसके तहत, और मैं इसके लिए हाई कोर्ट के अंदर 199 के तहत एहतजाज करूंगा कि ये माल है, या तो हमारा मसला हल किया जाए, वरना हम सुबह हैदराबाद में पटिशन दाखिल करके 199 के तहत कि ये माल है। सीएम साहब फौरी तौर पर इस्तीफा दे, मिनिस्टर हरिराम कसूरीलाल फौरी तौर पर इस्तीफा दे, डायरेक्टर फूड इस्तीफा दे, और डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद इस्तीफा दे, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैदराबाद इस्तीफा दे, फूड डिपार्टमेंट बिल फौरी तौर पर इस्तीफा दे, कैबिनेट को चेंज किया जाए। ये जानवरों जैसा माल कौन खाएगा? क्या तुम्हारे बच्चे ये माल खा सकते हैं? ये माल इंसानों के लिए, ये पड़ा पड़ा इधर मार सड़ गया। मैं पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन हूँ, पूरी दुनिया के अंदर बिजनेसमैन के टैक्स से निजाम चलता है। क्या क्या टैक्स हम इसलिए देते हैं कि ये माल पड़ा पड़ा सड़ जाए, और तंग हमारे पैसों से तनख्वाह दी जाती है तमाम मुलाजिमों को, कोई हिफाजत करने वाला नहीं है, कोई डिप्टी डायरेक्टर नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, और सीएम साहब से, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, सारे मिनिस्टर उससे नीचे हैं, तो लिहाजा सबसे पहले सीएम इस्तीफा दे। बिलावल भुट्टो साहब ये देखिए माल, जरदारी साहब आप कहते हो हमसे कुछ सीखो, ये माल देखो तुम्हारे सिंध में क्या हाल हो रहा है। अगर भुट्टो साहब दुनिया से अगर चले गए हैं, मोहतरमा मैनेजर भुट्टो अगर दुनिया से चले गई है, तो सिंध का ये हाल है आज। बिलावल भुट्टो